चीन अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इस हसरत को पूरा करने के लिए वो धन बल से लेकर मनोवैज्ञानिक खेल भी खेल रहा है। इसी के मद्देनजर उसने हाल ही में एक नया कानून पारित किया है और इसका नाम है लैंड बाउंड्री लॉ, यानी कि भूमि सीमा कानून। भारत ने चीन पर एक तरफा ढंग से नया भूमि कानून लाने के लिए निशाना साधा है। सरकार ने बुधवार को कहा कि ये चिंता का विषय है क्योंकि इस विधान का सीमा प्रबंधन पर वर्तमान द्विपक्षीय समझौतों और सीमा से जुड़े संपूर्ण प्रश्नों पर प्रभाव पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत उम्मीद करता है कि चीन कानून के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई कदम उठाने से बचेगा जिससे भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति में एक तरफा ढंग से बदलाव आ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे एक तरफा कदम का दोनों पक्षों के बीच पूर्व में हुई व्यवस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, चाहे सीमा का सवाल हो या फिर LAC पर अमन और शांति बनाए रखने का विषय हो। पिछले सप्ताह चीन की संसद ने सीमावर्ती इलाकों के संरक्षण और उपयोगी संबंधी एक नए कानून को अंगीकार किया है। इसका असर भारत के साथ बीजिंग के सीमा विवाद पर पड़ सकता है। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के सदस्यों ने शनिवार को संसद की समापन में इस कानून को मंजूरी दी और भारत ने चीन के इस कानून पर चिंता जाहिर की और कहा है कि इससे जो है वो दोनों देशों के संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। इस बारे में मीडिया के सवालों पर बागची ने कहा कि हमें ये जानकारी है कि चीन ने 23 अक्टूबर को नया भूमि सीमा कानून पारित किया है। इस कानून में कई बातों के अलावा ये भी कहा गया है कि भूमि सीमा मामलों पर चीन दूसरे देशों के साथ किए गए संयुक्त रूप से स्वीकार किए गए समझौतों का पालन करेगा, लेकिन लगता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून में सीमावर्ती क्षेत्रों के जिलों का पुनर्गठन करने का भी प्रावधान है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन ने सीमा के सवालों का अभी तक समाधान नहीं निकाला है और दोनों पक्षों ने समानता पर आधारित विचार विमर्श के आधार पर निष्पक्ष, व्यवहारिक और एक दूसरे के स्वीकार समाधान निकालने पर एक दूसरे से सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन और शांति बनाए रखने के लिए कई द्विपक्षीय समझौते, प्रोटोकॉल और व्यवस्थाएं कर चुके हैं, लेकिन चीन के इस कानून के बाद ऐसा लगता नहीं है कि चीन जो है वो मानने वाला है।